गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स से अवसरे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की में आप लोगों को लेंस बढ़ाना। लेंस के बारे में आप लोगों को बता दें, है ना, लेंस में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब रचना का नियम, और उस प्रतिबिंब रचना के नियम के साथ साथ किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु विभिन्न स्थितियों में रखेंगे तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति, है ना, तो उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी। तो इसलिए चैनल में जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो एक दो नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम, लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम। इसके लिए पहले थोड़ा सा ये बता दें, यदि ये एक लेंस है, इस लेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रकाश केंद्र है, ये फोकस है, जिसको द्वितीय फोकस कहते हैं वही मुख्य फोकस है, एक होता है प्रथम फोकस F1। ठीक, ये कोई उत्तल लेंस है, इसमें F1 प्रथम फोकस है, F2 क्या है, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। किसी लेंस में जो दो फोकस होते हैं उन दो फोकस में से एक प्रथम होता है, एक द्वितीय होता है, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है ना। तो लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम, तो प्रतिबिंब रचना के नियम पहले सुनना। प्रतिबिंब रचना का पहला नियम कहता है कोई भी प्रकाश किरण मुखा के समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुखक के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी और लेंस पतला है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। प्रतिबिंब रचना के नियम, तीन नियम हैं। जब कोई प्रकाश किरण मुखा के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से, F2 को ही फोकस कहा जाता है। यदि प्रथम फोकस से कोई किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, और यदि कोई प्रकाश किरण केंद्र से जाती है और लेंस पतला हो तो उसमें कोई विचलन नहीं होता। तो ये है प्रतिबिंब रचना के तीन नियम। ठीक है ना। समांतर तो फोकस से ही, F1 से तो समांतर, और केंद्र से तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। क्या कहा हमने, समांतर तो फोकस से, F1 से तो समांतर, और केंद्र से तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। केंद्र मतलब प्रकाश केंद्र। ठीक है ना। तो ये देखना क्या कहा हमने, तीन नियम है। नंबर एक, जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। और जब कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा,
जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर प्रकाश केंद्र से होकर जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है ना, ये पतले लेंस पर ये, अब इसका चित्र ये है, प्रथम फोकस ये है, द्वितीय फोकस इसी को एफ कहा जाता है। ध्यान रखना, लेंस के द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है, लेंस के द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। पहला नियम क्या बोला है, समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम बोला कि प्रथम फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, और तीसरा नियम बोला कि केंद्र से जाने वाली सीधे। ये क्या था, एक लेंस था, ये एफ वन प्रथम फोकस, एफ टू द्वितीय फोकस, एफ द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो समांतर जाने वाली फोकस से, प्रथम फोकस से जाने वाली समांतर, अब प्रकाश केंद्र से जाने वाली बिना विचलन के सीधे निकल जाती है ना, पतले लेंस के लिए। अब इसी चित्र को हम यदि अवतल लेंस में दिखाना चाहे तो कैसा बनेगा, यदि इसी चित्र को हम अवतल लेंस में दिखाना चाहे तो अवतल लेंस में भी इसका चित्र देखना। ये अवतल लेंस में यदि बनाएं तो देखिए, ये रहा अवतल लेंस, इसमें इधर एफ वन होता है, इधर एफ टू होता है, और एफ टू ही क्या है, एफ है, हमने कहा एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है। ये प्रकाश किरण कैसे जा रही है, समांतर, तो ये ऐसे हो जाएगी, ताकि इसको पीछे बढ़ाओ तो लगे कि कहाँ से गई है, एफ टू से। दूसरी प्रकाश किरण ये देखो एफ वन की तरफ जा रही है, तो बाद में क्या हो गई, समांतर, ये दूसरा। और तीसरा ये देखो, तीसरा ये है प्रकाश केंद्र से, तो यहीं से, ठीक है, समांतर जा रही तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, प्रथम फोकस की तरफ जा रही थी तो समांतर हो गई, और तीसरा ये है कि प्रकाश केंद्र से जा रही तो सीधे निकल गई है। ठीक है ना, तो ये प्रतिबिंब रचना के तीन नियम हैं, याद रखना। ठीक है ना, तो लेंस में प्रतिबिंब रचना के ये तीन नियम हो गए, इन्हीं के आधार पर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ कैसे, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, किस आकार का बनेगा, ये अब देखना है। तो इसमें हम एक टेबल बना देंगे, उसमें छह कंडीशन होती हैं, तो ठीक है ना, तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ का ऐसे बनेगा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, यानी इसमें छह स्थितियां होंगी, हम कॉलम बना लेते हैं,
यहाँ पर एक लेते हैं वस्तु की स्थिति, ठीक है, फिर प्रतिबिंब का किरण आरेख, किरण आरेख, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रकृत, सुन लो यहाँ प्रकृत बोले हैं मतलब वास्तविक या आभासी, हो सकता है बाद में ना दिखे तो जान लो कि पहले नंबर में हम लिखे हैं वास्तु की स्थिति, वास्तु की स्थिति, दूसरे में लिखा हमने प्रतिबिंब का किरण आरेख, अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और लास्ट में क्या है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में वास्तविक आभासी ये बताना है। तो पहली बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखना वस्तु को, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को अनंत पर, अनंत पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, अनंत पर, ठीक है ना। देखिए ये एक लेंस है, ठीक, इस लेंस में ये है एफ, और जितनी दूरी पर इधर एफ तो उतनी दूरी पर इधर भी एफ कह सकते हो, इससे दुगुनी दूरी पर इसको हम 2f कह दें, और इससे दुगुनी दूरी पर इधर भी 2f कह दें, और बहुत दूरी पर अनंत है, बहुत दूरी पर इधर क्या है अनंत, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से दो किरणें लेके चलते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं, तो एक किरण ये एक ये दोनों किरणें कहाँ से आई हैं, वस्तु से, कहाँ से आई हैं वस्तु से, वस्तु है कहाँ अनंत पर, अब वो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं फोकस पर, ठीक है ना, दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं फोकस पर, ये आपको बता दें किसी वस्तु से चलने वाली दो किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ काट दें वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर बनता है, या मुख अक्ष पर लंब डाल दो तो पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु को कहाँ है रखा है हमने, अनंत पर, अनंत पर है इसलिए वस्तु को हमने दिखाया नहीं है, वहाँ से दो किरणें चल रही हैं, एक समांतर जा रही तो फोकस से, दूसरी भी जा रही समांतर तो फोकस से, दोनों जहाँ काट देती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यदि ये किरणें ऊपर नीचे कहीं काटेंगे तो लंब डालेंगे, ध्यान रखना, यदि परावर्तन अपवर्तन के पश्चात किरणें कहीं पर काटती हैं मुख अक्ष के ऊपर नीचे तो लंब डालेंगे, यदि मुख्य अक्ष पर काटेंगे तो वहीं पर प्रतिबिंब हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, कितना बड़ा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का बनता है, और ये प्रतिबिंब है कैसा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, क्या होता है जहाँ किरणें एक दूसरे को काट देती हैं वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा जाए, अनंत और 2f के बीच, तो देखना ये है f, इधर भी उतनी दूरी पर f, ये है 2f, इधर भी ये 2f, वस्तु को यहाँ रखा हमने, यहाँ ए बी, ये वस्तु है अनंत और 2f के बीच, इधर बहुत दूरी 2f होगा,
अब यहाँ से एक प्रकाश किरण समांतर लेके जाते हैं तो ये रूल है कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और दूसरी किरण जो है कहाँ से जा रही है, केंद्र से। दूसरी किरण कहाँ से जा रही है, प्रकाश केंद्र से जाएगी, है ना, यहाँ समझ लो केंद्र से। तो ये यहाँ पर काट दी, यहाँ यहाँ मिल रही है, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, एक प्रकाश किरण समांतर गई है तो फोकस से, और दूसरी किरण केंद्र से गई है तो सीधे निकल गई, और जहाँ दोनों काट दी वहाँ से लंब डाल दिए, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। ध्यान ये देना कि जब वस्तु अनंत और 2F के बीच रखेगी तो प्रतिबिंब F 2F के बीच में कहीं आएगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यदि मान लीजिए बनाने में नहीं आ रहा है तो गलत आ है ना, सोचना कि जहाँ बन जाएगा वहीं मान लेंगे, ठीक है ना। जब 2F और अनंत के बीच में रहेगी तो F और 2F के बीच में कहीं पर आएगा, यानी प्रतिबिंब में F और 2F के बीच बनता है, F और 2F के बीच बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, और ये वही रहेगा वास्तविक तथा उल्टा। अब हम तीसरी बार वस्तु को 2F पर रखा जाए, वस्तु को 2F पर रखा जाए। अब 2F पर रखते हैं, देखिएगा, ये है F, ये 2F, इधर ये है F और ये है 2F। ये वस्तु को हमने रख दिया कहाँ पर, 2F पर। एक प्रकाश किरण समांतर गई तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और दूसरी किरण कहाँ से गई, समान केंद्र से, जहाँ पर मिल गई वहाँ से प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश। अब देखो वस्तु कहाँ है, 2F पर। एक किरण कैसे गई समांतर, तो कहाँ से गुजरी, फोकस से। दूसरी कहाँ से गई, केंद्र से, तो सीधे निकल गई, यहाँ से लंब डाले तो ये डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। अब बताओ ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F पर। अब वस्तु के आकार का बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो है 2F पर बनता है, मतलब दूसरी तरफ है, 2F पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, पृथ्वी में जो है क्या है, वस्तु के बराबर बनता है। अब वास्तविक तथा उल्टा अभी भी ठीक है। और चौथे नंबर पर अब वस्तु को कहाँ रख दें, वस्तु को 2F F और 2F और F के बीच रखा जाए, 2F और F के बीच रखा जाए। तो देखो ये F, तो ये भी F, ठीक है, ये 2F, और इधर ये F है, तो ये भी क्या हुआ, उतनी दूरी पर 2F। अब वस्तु को हम रख रहे हैं यहाँ पर, ए बी इसका नाम है। एक प्रकाश किरण समांतर गई तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और दूसरी किरण केंद्र से जा रही है तो कहाँ जाएगी, ये देखो 2F अनंत के बीच, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो 2F के बाहर है, तो यानी प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, और ये वही, ठीक है ना। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे,
अब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को, अब वस्तु को हम रखने वाले हैं यह पर, ठीक है। जब वस्तु को यह पर रखा जाए, अब देख लो यह पर रखेंगे तो क्या होगा, जितनी दूरी पर इधर एफ उतनी दूरी पर टू एफ, और ये जितना दूरी पर एफ उतनी दूरी पर इधर टू एफ, ये वस्तु को हमने रख दिया कहाँ पर, एफ पर। एक प्रकाश किरण समांतर तो फोकस से और दूसरी केंद्र से, अब बताओ ये दोनों किरणें समांतर हैं, ये दोनों किरणें क्या हैं, समांतर किरणें, इधर कहीं नहीं काटेंगी, इधर भी नहीं काटेंगी। अब कहीं नहीं काटने को अनंत कह सकते हो, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जब भी बनेगा तो, अब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। और ये वही अभी भी ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। अब हम छठवीं बार वस्तु को कहाँ रख देते हैं, जब वस्तु को एफ और ओ के बीच, ओ यानी प्रकाश केंद्र, ठीक है ना, जब वस्तु को एफ और ओ के बीच रखा जाए तो देखना, ये एफ है इधर भी ये एफ है, टू एफ का कोई बहुत काम है नहीं है अब, ठीक है। यहाँ हम एक वस्तु रख दिए ए बी, एक प्रकाश किरण समांतर जा रही तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और दूसरी केंद्र से जा रही है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो जब दूर हट रही हैं तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, तो ये ए डैश बी डैश, ये ए बी वस्तु है कहाँ है, प्रकाश, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में है ए बी, और उसका प्रतिबिंब कौन बना है, ए डैश बी डैश, ये किधर बना है, वस्तु की तरफ। कहोगे इन दोनों में अंतर है क्या सर, तो ये दोनों समांतर हैं लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है, ये दूर दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो पीछे मिल जाएंगी, लेकिन जो ये समांतर है तो कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही बनता है, मतलब जिधर वस्तु है उधर है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और ये सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी बनता है, ठीक है ना, सीधा तथा आभासी बनता है। तो ये रहा, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब में आभासी कब बना है, तो जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में है, ठीक है ना। तो ये छह स्थितियां हैं, और उन छह स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताया गया, ठीक है ना। ऑल ओवर, ऑल ओवर एक बार और देख लीजिए हमने क्या कह डाला, ऑल ओवर हमने ये बताया, देखना ये कहा हमने, देखिए टोटल एक बार रिवीजन, ये एफ है ये टू एफ है, ये एफ है ये टू एफ है। थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दें, दर्पण से कंपेयर करते हैं, दर्पण में जो ध्रुव होता था इसमें प्रकाश केंद्र होता है, सुन लो, दर्पण में ध्रुव तो इसमें प्रकाश केंद्र, जो इसमें एफ होता है इसमें एफ, ठीक है,
और जो इसमें वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र के बदले में इसमें एक पॉइंट टू एफ लेते हैं। क्या किया हमने, सुना, जो दर्पण में सी होता है, जो दर्पण में सी होता है उसके जगह पर लेंस में क्या लिया जाता है, टू एफ, प्रतिबिंब बनाने के लिए। हर जगह की बात ना करना, हर जगह की बात नहीं है, जहाँ प्रतिबिंब की बात है तो जो रोल वक्रता केंद्र का होता है दर्पण में, उसी टाइप का कुछ इसमें होता है। यहाँ आप यहाँ एक बार वस्तु को कहाँ रखते थे, अनंत पर, फिर अनंत और टू एफ के बीच, फिर कहाँ रखते थे, सॉरी, एक बार अनंत पर, एक बार अनंत और केंद्र के बीच, एक बार केंद्र पर, फिर केंद्र और एफ के बीच, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच। ये दर्पण की बात थी। लेंस में एक बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, अनंत और टू एफ के बीच, फिर कहाँ, टू एफ पर, टू एफ एफ के बीच, टू एफ के बीच, फिर एफ पर, फिर एफ और ओ के बीच। ये इसमें अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब बना था एफ पर, फिर टू अनंत और सी के बीच में रखे तो प्रतिबिंब बना यहाँ, जब यहाँ रखे तो प्रतिबिंब बना यहाँ, जब यहाँ रखे तो प्रतिबिंब बना यहाँ, जब यहाँ रखे तो प्रतिबिंब बना यहाँ, और जब यहाँ रख दिए तो प्रतिबिंब बना था इस साइड में। दर्पण की बात थी। इसमें यहाँ रखे तो प्रतिबिंब बना कहाँ, यहाँ पर, जब यहाँ रखे तो प्रतिबिंब बना यहाँ पर, जब यहाँ रखे तो प्रतिबिंब बना यहाँ, जब यहाँ तो ये, जब ये तो इन्फिनिटी पर, ठीक है, और जब यहाँ पर रख दिए तो इसी साइड में कहीं बन गया, इसी साइड में, ये नहीं कि अनंत, अनंत पर नहीं बनेगा, इसी साइड में बनता है, ठीक है ना। जब तक ये प्रतिबिंब रहेंगे तो ये होते हैं सबके सब क्या होते हैं, वास्तविक, और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, आभासी। इसमें ये सब क्या होते थे, वास्तविक, और ये क्या होता था, आभासी। ये दर्पण में ये सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें थी। अब तो ये उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, यही यदि अवतल लेंस की बात करें, अब अवतल लेंस को शॉर्ट में समझ लो, अवतल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में प्रतिबिंब, इसके लिए बता दें ये अवतल लेंस हुआ, इसमें ये हो गया यफ, ये बहुत दूर पर क्या हुआ, इन अनंत। इसमें दो केस होते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, देखो अनंत पर है यहाँ, तो एक प्रकाश किरण समांतर गई तो ये हो जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण समांतर गई तो ये हो जाएगी, और ये दोनों, ये और ये, तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यह पर। वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब फोकस पर बना, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है ना। और कितना बड़ा बना, बिंदु आकार का, बिंदु आकार, और प्रकृति में क्या है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरी स्थिति ये है कि वस्तु को आनंद के अलावा कहीं रख दें, कहाँ रख दें, अनंत के अलावा वस्तु को कहीं रखते हैं, दूसरे नंबर पर, जब वस्तु को अनंत के अलावा कहीं भी, कहीं भी रखा जाए, अनंत के अलावा कहीं भी रखा जाए, अनंत भर में ना रखो, ठीक है। देखिए ये ना, हम कहीं रखे हैं, ये देखो, ठीक है,
अनंत भर में नहीं रखे हैं, तो एक प्रकाश किरण समांतर गई तो जी, और दूसरी प्रकाश किरण ये गई, ये दोनों तो कहीं मिल नहीं रही है, तो इसको हमने पीछे बढ़ाया ये, और इसको पीछे ऐसे बढ़ाते हुए आएंगे तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। सुनना, ये किरण एक सीधे इधर चलिए, इधर चलिए, ये कि ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेंगे, तो कहाँ मिल रही है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये एफ और ओ के बीच बना है, एफ और ओ के बीच में। आप लोगों को ये बता दें, यदि आप वस्तु को एफ पर रख देंगे तब भी एफ और ओ के बीच में आएगा, यदि आप वस्तु को एफ और ओ के बीच रख देंगे तब भी एफ और ओ के बीच में आएगा। दिखाई देते हैं, जैसे देखो, मान लीजिए आपने एफ पर रखा, कहाँ पर, एफ पर, ये देखिए, तो एक समांतर गई तो ये, और ये कि ये वाली, तो ये यहाँ ए डैश बी डैश बना। वस्तु कहाँ है, एफ पर है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ और ओ के बीच में, ठीक है ना। यदि मान लीजिए वस्तु को खुद ही एफ और ओ के बीच में रख दें, ये एफ है और ये ओ है, और यहाँ खुद ही वस्तु को यहाँ रखो ले ओ, तो एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो ये ऐसा होगा, समांतर जाएगी तो ऐसे, और ये ऐसे ये, और दूसरी ये जाएगी तो ये वाला प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये भी तो एफ और ओ के बीच में है। यानी ये आप समझ लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो एफ पर, और यदि अनंत के अलावा कहीं भी रखोगे तो बनेगा एफ और ओ के बीच में, यानी इसका होगा प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच, एफ और ओ के, ओ मीन्स प्रकाश केंद्र, एफ और ओ के बीच, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी, ठीक है ना। एफ और ओ के बीच ही बनेगा, वस्तु से छोटा ही बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा, ठीक है ना। तो अवतल लेंस में यदि प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब फोकस पर बनेगा, और अनंत के अलावा कहीं भी रखेंगे तो एफ और ओ के बीच ही बनेगा, सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, सदैव सीधा तथा आभासी ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप लोगों को बता दें, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई वस्तु यहाँ रखे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। दो नंबर में कह दे किरण आरेख के द्वारा बताओ कैसा बनेगा, किस चित्र के द्वारा समझाना होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे लेंस, पतले लेंस के लिए बर्तन सूत्र, और जो पतले लेंस के लिए बर्तन सूत्र आप पढ़ेंगे वो पतले लेंस का बर्तन सूत्र अभी से बता दें, अभी से बता दें, वो 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, खासकर यदि एमपी बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर के लिए पतले लेंस का बर्तन सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी उसका वीडियो बनेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।